कृष्णा, श्री कृष्ण और गोपियों की लीलाओं में कुछ लोग दोष बुद्धि रखते हैं। अलग अलग भगवान पर भी दोष लगाए जाते हैं, लेकिन भगवान, क्योंकि वो अजन्मा है, उन्हें जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, तब भी वो लीला के लिए अवतार लेते हैं। वो अकर्मा है, कर्मों के बंधन से मुक्त हैं, तब भी लीला में अलग अलग कर्म करते हैं, क्योंकि जीव उनके कर्मों को, उनके जन्मों को समझ नहीं पाते, उनकी लीला को समझ नहीं पाते। इसलिए कुछ जीव ऐसे हैं जो उनमें दोष बुद्धि रखते हैं, उन्हें गलत कहते हैं। लेकिन जो भी भगवान की लीलाओं को समझ जाता है, तत्व से उसे जान लेता है, उसे दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। वो जन्म और कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री राम अवतार में भगवान ने श्री राम अवतार में कुछ ऋषियों को ये वरदान दिया था, जिन्होंने राम जी के लिए तपस्या करी, तब वो वरदान देते हैं। ऋषि चाहते थे कि उन्हें अपने इष्ट का सामीप्य मिले, तो भगवान वरदान दे रहे हैं कि श्री कृष्ण अवतार में तुम्हें मेरा सामीप्य मिलेगा। और श्री कृष्ण अवतार में वही ऋषि गोपियां बनते हैं। तो गोपियां कोई स्त्रियां नहीं थी, गोपी एक भाव था अपने इष्ट के सामीप्य के लिए। तो उनकी लीलाएं, उनके जन्म और कर्म भगवान के सब दिव्य हैं, उन्हें तत् से जानना जरूरी है। जो भी भगवान में दोष बुद्धि रखते हैं वो मूर्ख हैं, क्योंकि वो भगवान को तत् से, उनकी लीलाओं को तत् से अभी तक जान ही नहीं पाए हैं। जैसे जीवों का शरीर जो है वो पंचभौतिक होता है, लेकिन भगवान का जो शरीर है वो चैतन्य है। हम अलग अलग रत्न देखते हैं, स्फटिक देखते हैं, तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, इनका मूल्य भी अलग होता है, सबका प्राइस अलग है। उसी तरह भगवान और जीव भी अलग अलग है। सोने का मूल्य अलग है, चांदी का अलग है, स्फटिक का अलग है। अगर अग्नि जलती है तो उसकी ज्वालाओं से अंधकार दूर होता है, हर जगह प्रकाश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ धुआं, धुएं से क्या होता है, और ज्यादा अंधकार बढ़ता है। यही असमानता हमें भगवान में और जीवों में देखने को मिलती है, क्योंकि जन्म दोनों का हो रहा है। भगवान भी अवतार के लिए जन्म ले रहे हैं और जीव भी जन्म ले रहा है, लेकिन जीव का शरीर पंचभौतिक है और भगवान चैतन्य है, उनकी लीलाएं दिव्य है, और जीवों के जो कर्म है, जन्म है, वो मलिन है। तो यहां हमें असमानताएं देखने को मिलती है। जीव को देह अभिमान रहता है, उसको अभिमान रहता है, वो कर्मों के बंधनों में फंसा रहता है, और भगवान उन कर्मों के बंधनों से मुक्त है। जब वही जीव भगवान के जन्म और कर्म, उनकी लीलाओं को समझता है, उन्हें तत्व से जानता है, तो उनकी लीला और कर्मों को जानने से वो मुक्त हो जाता है, उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। तो दोष बुद्धि छोड़कर भगवान को, उनकी लीलाओं को, पुराणों का अध्ययन करो, उन्हें जानो। जय श्री राधे, हरे कृष्ण।